लोगों को भी घर में रहना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे वसई और विरार कोरोना के नए एपिसेंटर बनकर उभरे हैं। कोरोना के इस बढ़ते मामलों को लेकर एहतियात के तौर पर इलाके को सील किया गया है, लेकिन डंडे और बम्बू से इलाकों को सील करने से कोरोना के खिलाफ जंग नहीं लड़ी जा सकती। इलाके को सील करने का मतलब है कि लोगों को भी घर में रहना होगा या तो जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलते ही मास्क का उपयोग करना होगा, लेकिन इन तस्वीरों में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। जिस इलाके को बंबू से बांधकर सील किया गया है, वहां पर लोग उसे उलांग कर आ जा रहे हैं। दरअसल लोगों का भी कहना है कि घर पर बैठकर तो कुछ नहीं होगा, काम के सिलसिले में तो बाहर जाना ही पड़ेगा। सुनिए इस इलाके के लोगों का क्या कहना है। खाने के वांदे पड़े हैं सबको, तो कहां क्या करेंगे लॉकडाउन में आदमी। ते सब पेट्रोलिंग करने हवलदार लोग साहब लोग आते और चले जाते, और क्या करेंगे। बाकी एक आदमी को इधर रहना चाहिए कि बांबू कोई खोले नहीं, कुछ नहीं करे। आधी पब्लिक कोई खोल देता है इसको, अपने मन से चले जाता है, अपने मन से चले आता है, तो बांधने का कुछ मतलब नहीं है ना। हम सख्ती बरत रहे थे, हम डरा धमका के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमारा प्रयास भी मतलब क्या कि एक सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था, लेकिन अनलॉक के डाउन अनलॉक के चलते हुए ये जो असर है वो हमारे लिए चिंता का विषय बन रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।